कैट एसेंशियल सीरीज आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एलजेब्रा व्हेन इट कम्स टू डीआईएलआर तो हमें पता है कि एल्जेब्रा क्वांट में बहुत ज्यादा जरूरी है बट क्या ये डीआईएलआर में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है या एल्जेब्रा के कौन से पार्ट्स कौन से कॉम्पोनेंट्स डी में टेस्टेड हैं और कैसे वो देखने वाले हैं माई नेम इज अमित सुराना आई एम योर डी आई एल आर एक्सपर्ट

थ्री मेजोरिटी टॉपिकोंव टू गेट इन टू लॉगरिदिक फंक्शन है ना लॉग लॉग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें नहीं घुसना है बट ओवर ओवर व्यू ऑफ फंक्शन जहां पे आप वेरियबल में वैल्यू सब्सट्यूट करते हैं राइट एंड फंक्शन का

क्वेश you में इक्वेशन फॉर्म करना सो so, कई बार जब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास स्टेटमेंट आते हैं तो देर विल बी अ लॉट ऑफ रिलेशन गिवेन बट देन वो जो मेन वैल्यू है वो नहीं दिया होता है ना तो उसे एक वेरिएबल अस्यूम करके उसके बाद बाकी के वैल्यूज उस वेरिएबल के हिसाब से लगाना दस कॉल फॉर्मिंग इक्वेश राइट इक्वेशन फॉर्म करना एंड देन वेन यू एंड अपल्टीपल इक्वेशन उन्हें सोल्व करना तो सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं सब्सिट्यूशन मैथड है एलिमिनेशन मैथड है बट देन देस ऑल्सो वन मोर मेथड जो आप यूज कर सकते हैं स्पेशली इन डी आई एल आर जहाँ पे आपको कोई ना कोई कंडीशन दिया होता है ना तो दैट कॉल्ड असम्शन बेस्ड सॉल्विंग ठीक है सेम थिंग यू कैन डू विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना फ्रीक्वेंटली डी आई एल आर में हमने देखा नहीं है बट लेट से आ गया तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्ट है इक्वेश सॉल्विंग इट विद देल्प ऑफ समथिंग कॉल फैक्ट्राइजेशन हाउ यू कुट यूजिंग योर क्वाड्रेटिक फॉर्म्यूला क्वाड्रेटिक फॉर्म्यूला क्या है योर माइनस बी प्लस और माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए राइट ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म्यूला राइट तो इस फॉर्मुला को रख के आप अपना जो भी एक्स का वैल्यू है या आपका जो भी अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यूज आप टू पॉसिबल वैल्यूज आप निकाल सकते हैं ठीक है एंड यहाँ पर भी असम्शन बेस्ड सॉल्विंग पॉसिबल है जहां पे आप आंसर चॉइस से वैल्यूज लगा के या जो पॉसिबल डेटा सेट निकलता है उसमें वैल्यूज लगा के आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा उस वैल्यू को रखे है ना टे जहा सिव सी रिलेटेडिंग कई बार ऐसे आ जाता है इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टेम्परेचर ऐसा कुछ कहीं पर आ जाता है राइट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्स जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ जस्ट एन एग्जाम्पल है ना तो यहाँ पे ऐसे सीनारियों में यू कैन सो जहां पर वो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है या लैसे मीटर uh, uh, का आपका कुछ एरिया है एंड देन एवरी टाइम द साइड डबल्स है ना वन का टू हो जाता है टू का फोर हो जाता है फोर का एट हो जाता है तो एरिया में क्या डिफरेंस रहेगा राइट right? तो ऐसे केसेस में दम्यूला दैट और द इक्वेशन दैट यू फॉर्म इज नो लॉन्गर अ लीनियर इक्वेशन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना

So, यहां पे उगम के केस में अगर मैं बोलू कि उगम ने आर किलोग्राम आर किलोग्राम ऑफ राइस लिया है तो राइस का एक किलो का अगर दस रुपया है इफ वन किलो इज टेन रुपीज राइस वन किलो इज टेन रुपीज देन आर किलोज विल बी टेन इंटू आर रुपीज करेक्ट सो दिस वुड बी द कॉस्ट ऑफ राइस फॉर उगम नेक्स्ट देख फोर्टीन रुपीज पर के जी फॉर दाल न के जी इज फोर्टीन रुपीज लेट्स इन टू डीजरऑल बिल फॉर उगमीज राइट आर फर्स्ट इक्वेशन राइट हमने किसको वेरिएबल्स लिया है क्वांटिटी ऑफ राइस एंड क्वान्टिटी ऑफ दाल को हमने वेरिएबल्स लिया है ठीक है रीडिंग अड हाउवर फॉर राजन फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ राइस एंड दाल मतलब क्या राजन केस में भी राजन के केस में भी वॉट है क्वांटिटी ऑफ दाल दी ही है बट ये क्या बोल रहे के बदले फोर्टी परसेंट सो टेन पे फोर्टी परसेंट एक्स्ट्रा मीन वॉट फोर्टीन रुपीस चार रुपए होगा टेन रुपीज फोर्टी परसेंट इज फोर रुपीज टेन प्लस फोर फोर्टीन एंड फोर रुपीज लेस पर के जी फॉर दाल सो इंस्टेड ऑफ फोर्टीन

यहाँ पे क्वांटिटी वॉज द वेरिएबल कई बार क्वांटिटी पता होता है कॉस्ट बिकम्स द वेरिएबल एंड सो ऑन ठीक है तो ये हो गया फॉर्मिंग ऑफ द इक्वेशन नाउ लेट्स सी हाउ विल सॉल्व देम राइट सो वी हैव टू इक्वेशंस नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट 14 इंटू राइस सॉरी टेन इंटू राइस प्लस फोर्टीन इंटू दाल इज हंड्रेड एंड फोर्टी

सेट ऑफ इक्वेशन ठीक है तो सब्सिट्यूशन में क्या करते हैं वी राइट वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर तो हमें यहाँ पे दाल का वैल्यू चाहिए है ना दाल को हमें सिस्टम ऑफ द इक्वेशन में रखना है तो लेट्स इफ आई टेक द फर्स्ट वन अगर मैं पहला इक्वेशन उठाता हूँ या फिर अगर दूसरा वाला इक्वेशन उठाता हूँ देन वॉट हियर इन द सेकेंड इक्वेशन और लेट्स टेक द फर्स्ट वन इट्स तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टेन आर प्लस फोर्टीन डी इज वन फोर्टी तो क्या हो जाएगा टेन आर बिकम्स वन फोर्टी माइनस फोर्टीन डी राइटी माइनस फोर्टीन डी यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डी विच बिकम्स वॉट फोर्टीन माइनस फोर्टीन डी बाई टेन कैसे ये टेन डिवाइड हुआ वन फोर्टी का फोर्टीन फोर्टीन टाइम्स गेट्स एंड देन यू है नॉर्मली वी वुड दिस फर्दर इसको वु भी बोल सकते हो या अगर आपको में में रखना है fractions में भी रख सकते हो सब टू यू ठीक है you, तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है रिटर्न आर इन टर्म्स ऑफ डी है ना एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है अब बस इसे कोई दूसरे इक्वेशन में सब्सिट्यूट करो तो ये वैल्यू यहां से आई है तो ये हम इधर सब्सटीट्यूट करेंगे है ना

डी बाई टेन प्लस टेन टाइम्स डी इज इक्वल टू वन फोर्टी एटीफ कॉल दिसमल अगर करना है तो D plus 10 D, वैसे कर सकते हैं अल्टीमेटली अगर इक, आ, अगर कैलकुलेटर यूज करने वाले हो तो डेसीमल से ही कर लो ना एनिथिंग दैट कम्फर्टेबल टू यू है ना तो आई एम गोइंग टू डू दैट आई एम गोइंग टू यूज डेसीमलर तो वट आई डू आई एल कॉल यहां पे कर रहा हूँ माइनस नाइनटीन पॉइंट सिक्स डी प्लस टेन टाइम्स डी ये वन फोर्टी एट को भी मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ माइनस वन फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो तो अब देखो वेरिएबल को लेके ये दो टर्म्स है और बाकी दो वैल्यूज को लेके है

तीन वेरिएबल चार वेरिएबल्स जब बनते हैं है ना मल्टीपल वेरिएबल्स जब होता है दिस वर्क फॉर अस है ना फॉर द बेटर ठीक है चलो अब आगे चलते हैं लेट्स डू द सेम थिंग यूजिंग समथिंग कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड है ना एलिमिनेशन मेथड इज वन ऑफ द इजियर वन क्यों क्योंकि यहां पे हम एक वेरिएबल को कंप्लीटली निकाल ही रहे हैं. यहां पर भी टेक्निकली हमने यही किया था हमने आर को सिस्टम से ही निकाल दिया था हमने आर को भी डी के टर्म्स में लिखा था दैट्स बेसिकली वॉट यू डू हियर बट यहाँ पे थोड़ा सा और सिस्टमेटिक होता है मेथड वाई बिकॉज यू हैव लेट्स डी इज वन फोर्टी एंड देन यू हैव फोर्टीन आर प्लस टेन डी इज इक्वल टू वन फोर्टी एट नाउ दू रिमूव एनी वन वेरिएबल है ना देर आर टू वेज इन विच यू कैन डिसाइड के कौन से वेरिएबल को निकालना है वन क्या पूछा हुआ है दाल पूछा हुआ है तो हमें इसे नहीं निकालना है इसे यहाँ पे टेन है, है ये फोर्टीन और टेन है सो अल्टीमेटली आपका कैलकुलेशन उसी लेंथ का होने वाला है तो वी गोइंग टू डी हमें आर को निकालना है, है ना हमें आर को निकालना है अब इस इक्वेशन को इन ऑर्डर टू रिमूव दिस आर आपको आर के जो हैं वो सेम करना है मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दैट यू कैन ईदर डिवाइड एवरीथिंग सबको जो भी है तो इस इक्वेशन आप पूरा टेन से डिवाइड कर सकते हैं इससे दिक्कत क्या होगा कि ये तो वन एडवांटेज इज दिस विल बिकम प्रॉपर यहां पर भी वन फोर्टी बाई टेन परफेक्ट हो जाएगा ये डेसीमल में रहेगा मोर ओवर लुक हियर यहां पर भी सेम दिक्कत होगा राइट right? ये भी डेसिमल में रहेगा ये भी डेसिमल में रहेगा सो इधर डिवाइडेड बाय दैट गेट रिड ऑफ इट या फिर आप एल्सियम लेके फिर वो करते हो है ना यहाँ पे टेन है यहाँ पे 14 है 10 और 14 है और का एलसीएम क्या मतलब क्या इस इक्वेशन को आप पूरा सेवन से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इस इक्वेशन को पूरा आप फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट right? तो अब ये इक्वेशन क्या बन रहे हैं दिस इज टेन इंटू सेवन सेवेंटी आर प्लस 14 into 7 is 7 into 7, 49 into 2. That is 98 into D will be equal to 140 into 7 is 980. Yes. Same way niche. 14 into 5 is 70. So 70R. 70 plus 5 into 10 is 50. So 50 times D.

या इधर अगर ये नेगेटिव में है तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा ये भी माइनस सेवेंटी नो आर एट माइनस इज फोर्टी एस इज हाउ मच टू हंड्रेड एंड फोर्टी लीविंग अस विथ वॉट डी इज इक्वल टू टू फोर्टी बाई फोर्टी फाइव अगेन यस सो ये दिस मेथड हैज अट ऑफ इंट्रेंसिक कैल्कुलेशन अंदर अंदर के कैलकुलेशन है बाहर दिखने में दो या तीन स्टेप का ही लगता है बट अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन हैजू मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व पहले यू फर्स्ट फाइंड द इंडिविजुअल वेरिएबल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर वन देन यू सब्स्टिट्यूट देन यू फाइंड आउट दैट वैल्यू है न कैलकुलेन प्रोसेस ऑल्सो सीम्स लेन दी एंड टेक्स अपट ऑफ स्पेस एंड टाइम यहां पे अंदर अंदर में बहुत कैलकुलेशन है ठीक है ना ये दो तो आप लोगों को सबको पता ही है आप भी, आप लोग भी सोच रहे सर क्या ही नया सिखा रहे हो ये सॉल्व करना तो हमें आता है बहुत स्टार्टिंग से करा हुआ है आई गेट इट वट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट जहां पे आप ना थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहला क्वेश्चन जो था पहला इक्वेशन तो जो था टेन टाइम्स आर प्लस फोर्टीन टाइम्स डी इज हंड्रेड एंड फोर्टी ठीक है सेकेंड इक्वेशन को अभी मत देखो पहले से फर्स्ट वाले को देखते हैं यहाँ पे आपको क्या नजर में आ रहा है यू आर सी ये वन फोर्टी है विच इज फोर्टीन एंड जीरो मतलब क्या फोर्टीन टाइम्स टेन दिस इज फोर्टीन टाइम्स टेन अब ये वेरिएबल जो है ये वैल्यू जो है फोर्टीन इंटू डी ये फोर्टीन का मल्टीपल है ये भी 14 का मल्टीपल है करेक्ट दिस इज अ मल्टीपल ऑफ फोर्टीन दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ फोर्टीन या यहां पे है क्या मल्टीपल ऑफ फोर्टीन डू वी हैव अ मल्टीपल ऑफ फोर्टीन सैडली नो है ना यहाँ पे क्या है व्हाट डू वी हैव हैव वी अ टेन मतलब फोर्टीन जो टू इंटू सेवन है फोर्टीन को जो आप टू इंटू सेवन लिख रहे हो उसका टू वाला पार्ट तो आ गया टेन में है ना बिकॉज टेन इज टू इंटू फाइव मल्टीपल ऑफ फोर्टीन ये टेन इंटू आर है सो सिंस फोर्टीन इज टू इंटू सेवन टू वाला फैक्टर यहाँ से आ गया करेक्ट बिकॉज दिस इज फाइव इंटू टू तो टू यहां से आ गया फोर्टीन तो का एक टू तो निकल गया अब सेवन निकालना कहां से निकलेगा ये आर से यस दिस दिस काइंड ऑफ ब्रिंग्स अस टू व्हाट दिस ब्रिंग्स अस टू अ मोर सिस्टमैटिक अस्यूम रैंडमली नहीं कर रहे चलो जीरो लगा के देखो लगा के देखो वन लगा के देखो टू पॉइंट फाइव लगा ऐसे नहीं है राइट अ मोर सिस्टमैटिक तो अब नाउ यू कैन नैरो डाउन दैट नंबर यू आर चूजिंग मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ सेवन अब यहां पे क्या होता है नॉर्मली अगर ये मेंशनड हो d और r if it is mentioned that d and आर इफ इट इज मैं अगर mentioned है d and r integers है, तब तो क्लियर है बॉस आप सेवन ट्राई करोगे फोर्टीन ट्राई करोगे ट्वेंटी वन ट्राई करोगे ट्वेंटी एट सारे परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ सेवन ट्राई करोगे बट क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है है ना द क्वांटिटी कुड बी इन डेसिमल्स राइट हम आई कैन टेक टू एंड हाफ केजीज ऑफ राइस

So what will be the value of D there, guys? What will happen? 10 into 7 is 70. 140 says 70, Gaya. 140 minus 70 is 70. 14 into D will become 70 or D will become 5. If R is equal to 7, then D is equal to 5. Yes? Technically, now if we keep going, a if we keep going, if I say if R is equal to say 14. Then D technically should become 2.5, right? If R is 14, no, if R is 14, then D should be 0. My bad. D must be 0. D will become 0. Yeah? Which, although mathematically sounds right, D can be 0, right? But from the question, it doesn't seem right like that. But as you have to technically look at all possible values, 7. So 7 आपने वाई नॉट थ्री पॉइंट फाइव वाई नॉट जीरो करके राइट ना वे डज इट स्टॉप दो ये तो इन्फिनेटली चलता रहेगा वे डज इट स्टॉप जो भी आप यहाँ पे लगा रहे वॉट एवर यू आर ट्राइंग यू जस्ट अपलाईड इन द सेकंडक्वेशन सो वॉट वॉज अड इक्वेशन अड इक्वेशन वॉज फोर्टीन आर प्लस टेन टाइम्स डी शुड बी वन फोर्टी दिस हिस्टर इफ एंड इफ इट वर्क ड नथिंग लाइक इट If we were to try this here, r equal to 7 and d equal to 5, what will happen? If r is 7, this will become 98. If d is 5, this will become 50. So 98 plus 50 is 148. Right? So there's no solving involved. There's no writing too many things involved. It's more mathematical. It's more mental. But risks involved right if they were given that they are integers then this will become a you know walk in the park but if it is not then you also have to look into non decimal non non whole number values also so you have to consider 3.5 also what would happen if r became 3.5 so if r were 3.5 what would happen uh, we would have 140 minus 35 which is 105 so 14d 105 by 14d we would get 7.5 to be the value of d yes so that's that's how it is it basically if this is increasing by uh, 50% if this is decreasing by 50% this will increase by 50% and Get it over with Hannah. Right? So that's the that's the scene there, right? 3.5 into 10 is 35. So 140 minus 35 is 105 divided by 14 is 7.5. Right. Now we need to check will it satisfy here? Does it satisfy in this equation? 148 voila. So what will happen? 14 into 3.5 is 49 so 148 minus 49 is 99 divided by 10 becomes 9.9 .9. so d becomes 9.9 .9. and then you know you keep checking that format right but that's this is the best one that fits in here okay d should be 9.9 .9 according to our second equation but according to the first equation it's 7.5 that means this will not work same way if you try 14 and 0 will it work

You can get it from the question, you can get it from the answer choices. Agar answer choices hai. So out of the four answer choices, one of them will be five. You plug that in and you check. Okay. So these are the ways in which you look at uh, linear equation. Same way quadratic equation ka bhi hai, but since I don't want the session to be too mathematically technical, I will leave it up to you guys to go and watch the foundation. Let's have a quick look at an example of how equations are important when it comes to DILR.

इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है बोथ भी हो सकता है बट कैन नॉट बी बोथ क्लासिकल एंड वेस्टर्न दैट मीन वेस्टर्न एंड क्लासिकल इज पॉसिबल बोथ इज नॉट पॉसिबल राइट लुक एट एन ओवर व्यू ऑफ दिस कैसा होगा ये आपका वेस्टर्न है और ये क्लासिकल है नो इंटरसेक्शन हाउ एवर ये वोकल है और ये इंस्ट्रूमेंटल है देर इज एन इंटरसेक्शन एन आर्टिस्ट हाफ आर ओनली वोकल थ्री टेंथ आर ओनली इंस्ट्रूमेंटल एंड वन 5th आर बोथ ओके सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ये ना वेन डायग्राम्स का है तो अगर आपने वेन डायग्राम्स का फाउंडेशन नहीं देखा है आई वुड रिकमेंड के पहले वो देखो फिर ये वाला सेट करना ये एग्जाम्पल है जस्ट टू शो यू हाउ वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टेंट बट अगर आपने वेन डायग्राम नहीं किया है प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट गाइस वेन डायग्राम्स एक बार देख के फिर करना ठीक है अदरवाइज देन यूल है लॉर्ड ऑफ कंफ्यूजन देर ठीक है ओके सो हियर वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज अगर वो बोल रहे कि वोकल एंड वेस्टर्न ठीक है यहाँ पे टेबल पे देखो वोकल एंड वेस्टर्न डिज नॉट मीन ओनली वोकल एंड वेस्टर्न राइट ये जो ये जो पूरा कॉलम है दिस एंटायर कॉलम इज नॉट ओनली वोकल दिस इज वोकल सो वेन वी सेलूड ओनली वोकल एज वेल एज दिस पूरा सर्कल इंक्लूड हो रहा है इंक्लूडिंग दिस बोथ वाला एरिया है ना दिस इज फुल वोकल बट ओनली वोकल ये है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस दैट ठीक है सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट डू वी नोट टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट वही नहीं दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट ही नहीं दिया हुआ है वट एवर वी हैव ऑफ द टोटल आर्टिस्ट हाफ आर ओनली वोकल एंड सो ऑन नॉट वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज वी डोंट हैव इट बट देन सिंस नथिंग एल्स कैन बी डन है ना यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं एडिंग नथिंग कैन बी डन हर क्योंकि वी हैव ओनली थ्री पीसेस ऑफ डेटा राइट सो वी विल नीड अ वेरिएबल एंडस्ट प्लेस टू प्लेसियबल टोटल में ही लगा लो है ना सो इफ आई वेल अगर ये एक्स होता तो ये क्या बोल रहेनली वोकल ओकेरफुल यहां पर नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओनली का टोटल ठीक है ओनली का टोटल यहां पर लिख रहा हूं मैं तो हाफ एक्स का हाफ क्या होगा एक्स बाई टू Half are only vocal, 310 are only instrumental. 310 of x are only instrumental, and one fifth are both. One fifth of x are uh, x by 5. Right? Since we are using variables, might as well use it in the right way. x by 5 are both. तो मल्टीपल थिंग्स ये टू कीप इन माइंड फर्स्ट डू वी नीड फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस चाहिए नहीं चाहिए ऑल दीज डिसीजंस यू कैन टेक ऑन द गो है ना कि अगर मैं वेरिएबल्स यूज नाउ वी नो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया है तो ये वाला सेल जो होगा ये वाला सेल विल बिकम एक्स माइनस थ्री हंड्रेड ये अगर एक्स बाई टू है तो ये वाला अगेन विल बी नेगेटिव तो हमें पता है कि ये वेरिएबल्स जो हमें अंदर यूज करने हैं है ना अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे तो बहुत गंदा होगा सीन सो वॉट वी डू वॉट डू वी डू एल्सियम हेर सो यहाँ पे क्या है टू टेन एंड फाइव सो देश मीन एल्सियम ऑफ दी थ्री टेन है ना तो so, अब हम इस वेरिएबल को अगर टेन बुलाते हैं इफ दिसम्स एक्स एक्स की जगह पे यहाँ पे टेन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये टू एक्स हो जाएगा एक्स की जगह पे टेन लगाओ टेन और टेन कैंसल थ्री एक्स हो गया ये एक्स की जगह पे टेन लगाओ ये क्या हो गया फाइव एक्स टिंग दिस राइट तब देखो टेन एक्स का हाफ फाइव एक्स करेक्ट है टेन एक्स का थ्री टेंट है ठीक है दिस इज हाउ यू अवॉयड ब्रिंगिंग इन फ्रैक्शन क्योंकि जब आप फ्रैक्शन लेके आते हैं स्पेशली इन वेरिएबल्स हम एल्सियम लेना बहुत बार भूल जाते हैं क्योंकि जगह छोटी रहती है बहुत सारे वेरिएबल्स लिखने पड़ते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स बाई टू माइनस हंड्रेड अपन क्या करते हैं क्योंकि जगह कम रहता है एंड यू नो बहुत सारा कैलकुलेशन होता है वी एंड राइटिंग इट लाइक दिस एक्स माइनस हंड्रेड बाई टू क्या ये सही है आर बोथ ऑफ दीज वैल्यू सेम डेफिनेटली नॉट है ना सो दीज आर प्लेसेज वेर वी नॉर्मली एंड मेकिंग अपड वेन एवर यू फील लाइक यूर गोइंग टू मेक मिस्टेक वाइल प्रैक्टिसिंग इट सेल्फ मेक इट अ हैबिट टू नॉट यूज दैट

तो फिर हम ओनली वोकल प्लस इंटरसेक्शन दोनों इंक्लूड करेंगे अगर हम इंटर इंस्ट्रूमेंटल uh, 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 बोल vocal, I mean, uh, uh, classical, sorry, classical रहे हैं तब हम वोकल आई मीन क्लासिकल क्लासिकल लगा दिए सॉरी ये ओनली इंस्ट्रूमेंटल प्लस इंटरसेक्शन दोनों बोलेंगे है ना सो हियर इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट लाइक दिस कैन वी आल्सो से अगर ये वैल्यू जो है दिस होल वैल्यू माइनस दिस वैल्यू विल गिव अस द

Go watch the foundation of Venn diagrams, you'll understand this. Okay, so keeping this in mind now, keeping this in mind, kya ho this is 5x, right? So have a look at this. Only sorry, only vocal is 5x. This both is 2x, and this is 3x. So vocal altogether will become what 5x plus 2x, 7x.

To find out this or this, we need one of them for sure, hana. Right? But you have to be careful. Minus. Here, this is minus, this is plus. So to find out this value, what will this value be? This value will basically be 300 out of 300. We need to subtract this entire thing, which is what? 100. 100 and this needs to be subtracted from there, or okay, let's do one thing. Whenever such confusion arises, all you have to do is just for temporary sake make another variable y. Yeah, so write this down as an equation now 100 plus 5x minus 170 minus y is equal to 300. Hai na? तो मोमेंट यू गेट इन टू इक्वेश प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर एक जगह पर भी आपने गलत साइन लगा दिया तो फिर वो खत्म है ना द एंटायर गो इन वेन तो अब नाउ योर वाई गोज ह्यूर एंड थ्री हंड्रेड कम्सर सो माइनस वाई बिकम्स प्लस वाई ये थ्री हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड हो गया अभी है ना सो माइनस थ्री हंड्रेड माइनस वन सेवेंटी इज माइनस फोर सेवेंटी प्लस हंड्रेड इज माइनस थ्री सेवेंटी

एक्स माइनस दिस एंटायर थिंग फाइव एक्स माइनस थ्री सेवेंटी राइट सही है चलो मूविंग ऑन तो टू एक्स माइनस दिस तो अब क्या हो गया टू एक्स माइनस फाइव एक्स इज माइनस थ्री एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री सेवेंटी सो दिस इज थ्री सेवेंटी माइनस थ्री एक्स अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो सेवन एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री एक्स टेन एक्स टेन एक्स हो गया माइनस हंड्रेड प्लस सेवेंटी प्लस सेवेंटी माइनस थ्री सेवेंटी इज माइनस थ्री हंड्रेड सो दिस इज परफेक्ट अब ये बना है हमारा टेबल दिस इज अ टेबल बट टेक्निकली दिस टेबल इज यूजलेस अनलेस एन वी नो एनीथिंग अबाउट एक्स है ना तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एक्स क्या है बट वॉट डन आपको बहुत सारे variables include करने पड़ते हैं यहाँ पे तो अपने इजीली हो गया ठीक है अब इसको रखे so एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चन का इफ वन फिथ दिन आर्टिस्ट आर बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल देन हाउ मेनी अच्छा एक सेकेंड वन फिफ्थ वेस्टर्न आर्टिस्ट

तो अब हमसे क्या पूछा है का वैल्यू. इसका वैल्यू हमें चाहिए या yeah? सो so अब फटाफट से यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे फाइव एक्स माइनस थ्री सेवेंटी इज हाउ मच सिक्सटी देर सिंह यस सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा फाइव एक्स इज

86 times 7, yeah, 602 minus 100, which is 502. So, what are we getting? We are getting that there are 502, right? The answer for this question is what? 502. There are 502 artists who are vocal and classical both, okay? वोकल इंक्लूसिव वोकल इंक्लूसिव ठीक है दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जितना आप equations के अराउंड कंफर्टेबल हो गए सोल्व करना फॉर्म करना इक्वेशन वैल्यूज निकालना एक वेरिएबल को रख के दूसरा वेरिएबल का वैल्यू ऑल दैट यू नीड टू बी सुपर कंफर्टेबल ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज क्या होता है इक्वेशन गिव्स यू एन एग्जैक्ट वैल्यू

Minimum number of employees who have chosen both the backgrounds. So they have not told us how many have chosen both the backgrounds, but then there are some, right? is what they are trying to say. So we put a you know simple Venn diagram where we have engineering background and your mathematics background. Here we this area is where both will take up, and this is neither, right? And since they are saying if each employee had chosen at least one out of the two, that means this value is zero. This overall value is 100. There are 100 employees. And there are 100 employees. So that part is done. Beyond this, what is told? At least 80 choose engineering. Now they're not saying only engineering. They're saying engineering. That means this entire circle, yeah. Pura. At least 80. And at least 65 are choosing.

इसमें एक सिंपल सा फंडा है वॉट द फंडा यू ब्रिंग अप मोर वेरिएबल्स राइट आप दो वेरिएबल्स और लेके आते हो लेट्स पी एंड क्यू पी एंड क्यू यहां पे पी क्या है पी इज ओनली वन बैकग्राउंड एंड क्यू विल बी बोथ बैकग्राउंड है ना बोथ बैकग्राउंड तो वॉट डज पी मीन वॉट इज पी पी इज बेसिकली ओनली इंजीनियरिंग प्लस ओनली मेडिकल एंड वॉट इज क्यू क्यू मीन बोथ इंजीनियरिंग इंटरसेक्शन मेडिकल राइट बोथ मेक सेंस इफ यू वे टू लुक एट दिस नाउ हमें पता है कि दिस वैल्यू लुक एट दिस वॉट एवर कम्स ह्यर राइट वॉट एवर कम्स ह्यर दिस इज ओनली इंजीनियरिंग दिस इज ओनली medical first things first all of these included this value plus this value plus this value is 100 correct because there are zero people outside of these circles only english uh, sorry uh, only engineering only math uh, only medical and both together has to be 100 so what happens this value and this value together is what p क्शन वैल्यू इज वॉट क्यू सो कैन ए पी प्लस क्यू देन शुड बी इक्वल टू हंड्रेड इट कैन बी मोर देन हंड्रेड इट कैन बी लेस देन हंड्रेड है ना फॉर आर नेक्स्ट मूव फॉर आर नेक्स्ट इक्वेशन वॉट हेल्स एंटायर थिंग ये दिस पूरा सर्कल जो है इंजीनियरिंग वाला पूरा सर्कल एटलीस्ट एटी और ये वाला जो पूरा सर्कल है वो हैज भी एटलीस्ट सिक्सटी फाइव सो लेट मी राइट दिस डाउन ट मी राइट दिस डाउन हियर यहाँ पे लिखेंगे अपन ओनली ई प्लस ई इंटरसेक्शन एम इज एट लीस्ट वीना एटलीस्ट एंटरसेक्शन एम क्या है क्यू है तो अब ना इसको हम क्यू ही लिखते हैं ना यहाँ पे देखो ई इंटरसेक्शन एम क्या है क्यू सो आई एल यूज क्यू हि वी है

Minimum value for only m plus q is sixty five so only the minimum value for both of these added together will be what eighty plus sixty five which is one forty five works yes one forty five so now we have our second equation that is p plus two times q.

P अगर आपको अगर आपको Q को मैक्सिमम करना है इफ़ यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज Q, देन वॉट विल यू डू यू विल ट्राई टू मिनिमाइज P, करेक्ट Q को मैक्सिमाइज करना है तो P को मिनिमाइज करेंगे नाउ इट इज नो लॉन्गर अ लॉजिकल एस्पेक्ट मैथमेटिकल एस्पेक्ट हो गया सेम वे यहां पर भी Q को मैक्सिमाइज करोगे P को मिनिमम करोगे राइट यहां पे P का मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं जीरो ले सकते हैं कैन वी टेक जीरो यस

और Q हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 72.5 72.5 इज इज 100 ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू इट है ना तो दिस वर्क्स ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मैक्सिमम वैल्यू क्या है बोथ का 100 100 स्टूडेंट्स दोनों इंजीनियरिंग और मेडिकल से हो सकते क्योंकि एटलीस्ट एटलीस्ट बोला था इसलिए ठीक है ना मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट वेयर वी वांट टू मिनिमाइज दिस मिनिमम पॉसिबल इसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें इफ वी सॉल्व दिस व्हाट विल हैपन पी एंड पी तो इसे हम सब करेंगे से माइनस माइनस एंड माइनस पी माइनस पी इज जीरो गॉन टू क्यू माइनस क्यू इज क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 145 फोर्टी माइनस हंड्रेड इज व्हाट 45. फाइव तो वॉट इज हैपनिंग नाउ दे सेइंग द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर क्यू इज फोर्टी फाइव हैज टू बी फोर्टी एंड अबाउट 45, 46, 47, 48, 49, 100 तक जा सकता है। so minimum value of Q क्या आ गया यहां पे? Q's minimum possible value what? 45. Yes. गया पे? ये हो हमारा यहीं से आप पी का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि अगर क्यू मिनिमम है तो पी मैक्सिमम है इफ दिस इज फोर्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव से ज्यादा

यहां से यहां एंड देन यहां से यहां दूसरा रूट पॉसिबल है लेट्स से एन के थ्रू तो हियर टू हियर एंड देन हियर टू हियर ठीक है दैट्स द आइडिया द रोड्स फ्रॉम ए टू एम एंड फ्रॉम एन टू बी ए टू एम एंड एन टू बी आर शॉर्ट एंड नैरो इन ईच केस अच्छा अब यहां पे ना आगे जो दिया हुआ थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इन ईच केस वन कार टेक्स सिक्स मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस

नंबर ऑफ कार्स अगर एक हो तब सिक्स मिनट्स लगते हैं दिस इज कार्स नंबर ऑफ कार्स एंड दिस इज हाउ मच मिनट्स इफ देर इज वन कार देन इट इज सिक्स मिनट्स एंड ईच एडिशनल कार इंक्रीजेस द ट्रेवल टाइम पर कार बाई थ्री मिनट्स सो व्हाट मिनट दिस वट पर कार हा तो so अब अगर दो कार्स हैं तो क्या हुआ एक कार तो है एडिशनली एक और कार है एक कार है एडिशनली एक और कार है दैट मीनस मिनट्स नॉर्मली लगता है उसको हर कार को जाने के लिए अब कितना लगेगा एंड एडिशनल कितना मिनट्स मिनट्स नाउ दिस बिकम्स पर कार गेटिंग दिस नॉर्मली सिक्स मिनट्स पर कार लगता है नाइन मिनट्स पर कार लगेंगे अब अगर तीन कार है लेट से थ्री क्या हो जाएंगे सिक्स तो एक कार का लगता ही लगता था अब दो एक्स्ट्रा है सो तीन मिनट तीन मिनट छ मिनट एक्स्ट्रा ट्वेल्व सो दिस विल कीप गोइंग ऑन, ये ये चलता रहेगा. तो अब अब ना इसे ऑफ़ ऑफ़ लुकिंग एट दिस नंबर्स, क्योंकि तक हमें नहीं पता कि कितनी कार्स कार्स नंबर डोंट नो. कैन आई से द पर कार विल राइट एन इज द नंबर ऑफ एडिशनल कार्स है ना एडिशनल कार्स तो या तो यहां पे एन नहीं लगाते m लगा लेते हैं m इज एडिशनल कार्स या फिर एन माइनस वन कर देते हैं, चलो क्योंकि एडिशनल ना एक्स्ट्रा दो कार्स टोटल जा रही है एक तो जा ही रही थी एक, एक एक्स्ट्रा आ गए, तीन कार्स टोटल जा रही थी जा रही है एक तो जा ही रही थी दो एक्स्ट्रा आगे राइट right? तो दिस मेक्स सेंस सिक्स प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन यहां पर भी क्या हो गया सिक्स प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन तो ये क्या है फंक्शन बेस्ड राइट यहाँ पे एन के हर वैल्यू पे एवरी वैल्यू दैट वी प्लेसिंग फॉर एन विल गेट अ डिफरेंट आउटकम यस एन अगर जीरो है इफ एन इज जीरो सो ना एन अगर वन है इफ देर इज वन कार एन को वन डालो वन माइनस वन जीरो थ्री इंटू जीरो जीरो एन को टू डालो टू माइनस वन इज वन इंटू थ्री इज थ्री थ्री प्लस इज नाइन नाइन एन की जगह पे फोर डालो फोर माइनस वन इज थ्री थ्री इंटू थ्री इज नाइन नाइन प्लस इज वॉटीन टू फोर इट फिफ्टीन मिनट पर कारीच राइट सेम वे यहाँ पर भी और ए टू एम एन टू भी सेम रूट है अब आगे देखते क्या यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया चलो

हम नॉर्मल सिस्टम यूज कर रहे हैं देर विल भी क्वेश्चन मॉडल फंक्शन का भी एप्लीकेशन यूज आता है राइट सो यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद ऑफ दुअर इज दिक्चर विद देल्प ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन हम नहीं कर रहे वी आर नॉट डूंगिकट इज टेक्निकलीटिल मोर कॉम्पलेक्स देन वॉट यू शुड बी डूइंग एट दिस स्टेज

on doing the foundation for algebra foundation and essentials for algebra right both of these for algebra you have to watch all the all the lectures all the topics that fall under algebra if you want to get comfortable with these aspects of dlr okay? i hope this video helped you in understanding we will be coming up with similar video where we talk about how number system is important when it comes to dlr and how advanced math that is understanding overlapping sets understanding uh, you know your uh, ap and gp understanding how probability pnc matters in dlr yes occurring i hope this helps you if you have any questions any queries please post them in the comments i'll try to inculcate in the, them in the next video all the best guys cheers thank you so much